पूरा अयोध्या पे यही तो राज करता है। जय श्री राम। ये देख सकते हैं आप, बाबा जी सब तीर धनुष लेके आए हैं वहाँ से लखनऊ के पास से, लखनऊ हरदोई। जय श्री राम, जय श्री राम। लाता जब श्री राम प्रभु से शादी करके अयोध्या आए हुए थे तो वो माता केके के द्वारा ये जो कनक भवन दिख रहा है, इतना विशाल कनक भवन वो मुंह दिखाई के रूप में दिया गया। जय श्री राम दोस्तों, मैं अंजन आजाद मधुबनी बिहार से। आज है मेरा अयोध्या में तीसरा दिन। तीसरे दिन के साथ आपको बहुत सारी अपडेट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाना चाहता हूं मैं। अभी भी देख सकते हैं मैं जो है, अभी ये जो आप जगह देख रहे हैं ये भक्ति पथ कहा जाता है, ये भक्ति पथ पे हैं। और यहां पे भी देख सकते हैं भक्तों की तादाद और भक्तों की जी क्राउड कह सकते हैं आप, वो किस लेवल पर चल रहा है भाई साहब। यहां पे देखिए कंस्ट्रक्शन का काम भी कितने जोरों से चल रही है। ये जो है मंदिर पूरा जर्जर हो गया, इसको भी रिसाइकिल किया जाता है, मतलब कहते हैं पुनः से बनाया, निर्माण किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। बाकी भक्त की तादाद ना दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आपको सामने जो देखा तीर धनुष वाला, वो पिछले वीडियो में भी देखे होंगे, वो आमावर राम मंदिर जिसे कहते हैं वहाँ पे है, वही उसी के ऊपर लगाया गया है। बाकी चलते हैं आगे की तरफ। आज हम दिखाएंगे आपको कनक भवन। पिछले वीडियो में कई सारी जगह आपको एक्सप्लोर करा चुके हैं, दिखा चुके हैं हम, तो आज हम ले जाएंगे आपको कनक भवन। कनक भवन में कैसे क्या देखने को मिल रहा है आपको चीज़ें, वो सब सारी चीज़ अपडेट आपको देते रहेंगे। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो भी कर लेना यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं कनक भवन की तरफ, कैसे क्या वहाँ का माहौल है, कैसे क्या दृश्य है, वो सारी कुछ आपको देखने को मिलेगा। जय श्री राम। लो भाई हो गया, लग गई चंदन दोनों आदमी को। यार यहाँ पे जाए तो रोज रोज चंदन लगाते, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे चंदन लगाने वाले जो रोज रोज आपको चंदन हर आदमी के ऐसे माथे पर आप जब ध्यान दीजिएगा तो हर आदमी को तिलक ऐसे लगा ही रहेगा। आपको देखिए तो यहाँ पे अक्सर आदमी को तिलक यहाँ पे लगाया जाता है। और एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आदमी कहते हैं कि अयोध्या में क्या उन्नति हुआ है, राम मंदिर से क्या मिलेगा आपको, हॉस्पिटल कॉलेज ये सब बनना चाहिए, एक बार अयोध्या आओ यार, तुम एक बार आओ यहाँ के, आने के बाद देखो कि अयोध्या में क्या उन्नति हुआ है, कितना रोज़गार मिला है। वो चीज़ आपको यहाँ आने के बाद आपको अनुभव होगा कि क्या रोज़गार मिला है या नहीं मिला है। अब हम जा रहे हैं कनक भवन की तरफ। और ये जो आप महल देख रहे हैं सामने में, इसका कल ही दिखाए थे, ये दशरथ महल है। और जैसे इस रोड के आप जरिए आगे चलिएगा तो यहाँ पे आपको हनुमान गिरी जो दिख रहा है, हनुमान गढ़ी, वो आप भी आपको देखने को मिल जाएगा आगे चल के। तो चलिए ये रोड के जरिए हम जब आगे चलेंगे तो आपको कनक भवन देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम आगे और दिखाते हैं कि कनक भवन आपको कैसे लग रहा है देखने में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्री का भोजन आपको दिया जाता है। आपको जब यहाँ पे कनक भवन के तरफ आइएगा तो यहाँ पे भी फ्री में भोजन आपको खाना मिल जाएगा। देखिए मेरा दोस्त अभी ले रहा है खाना। जय राम जी की। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप पूरे अयोध्या में बहुत सारे ऐसे जगह मिल जाएगा, खाना पीना फ्री में दिया जाता है। देखिए यहाँ पे पूरे अयोध्या में पूरा फ्री। जय श्री राम। देख सकते हैं आप बहुत सारे लोग यहाँ पे खाना खा भी रहे हैं, चाय वगैरह भी पीना जाता है, फ्री में पानी पीना जाता है, वो भी सारी कुछ यहाँ पे प्रबंध आपको फ्री में ही लगाया जाएगा। बहुत सारे जगह जो फ्री का भोजन यहाँ पे दिया जाता है। तो चलते हैं हम भी यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है करीब, टाइम को बात करूँ तो टाइम हो रहा है अभी 10 बज का, देखते हैं 58 मिनट हो गया है अभी, तो भूख तो लगी गई होगी भाई साहब, इसलिए चलते हैं थोड़ा बहुत भोजन करते हैं, इसके बाद दिखाएंगे आपको कनक भवन ले जाएंगे। बहुत सारी चीज़ है जो अयोध्या में आपको बहुत सारी चीज़ की जानकारी देना बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ बताना आपको बाकी है। तो चलते हैं पहले कुछ जलपान वगैरह हो जाए, इसके बाद जल्दी दिखाते हैं आपको। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं कनक भवन के पास। ये देख सकते हैं आप कनक भवन आपको कितना विशाल देखने को लग रहा है। यहाँ के मान्यता के अनुसार, पुराने ग्रंथों को मान्यता के अनुसार, ये जो कनक भवन है वो सीता माई को मुंह दिखाई में मिला था। जब श्री राम प्रभु से शादी करके अयोध्या आए हुए थे तो वो माता केके के द्वारा ये जो कनक भवन दिख रहा है, इतना विशाल कनक भवन वो मुंह दिखाई के रूप में दिया गया था इस कनक भवन को। और जब रामायण वगैरह जब पढ़िएगा तब आपको ये पूरी चीज़ की जानकारी मिलेगा। बाकी चलते हैं और भवन को अंदर से भी दिखाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
तो अंदर जब चलेंगे आपको तो अंदर भी दिखाएंगे आपको कि अंदर में कितना विशाल कितना बड़ा ये भवन देखने को मिलता है। बहुत ही बड़ा ये भवन है, अंदर में बहुत बड़ा कंपाउंड भी है और चारों साइड से आपको पूरा भवन है। भवन तीन मंजिल बिल्डिंग कहते हैं, इतनी बड़ी ये भवन बनाई गई है, तो पूरा भी आपको डिटेल बताएंगे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ। हम साहब क्या लग रहा है देखने में, लुक एट दिस गाय यार, देखो तो पहले। इतना बड़ा बड़ा विशाल महल देखो, तो उस जमाने के महल और इतनी लंबी उम्र से भी ये स्थिर और इतना भव्य विशाल स्थिर, कितनी खूबसूरत कितनी प्यारी लग रही है देखने में। भाई चारों साइड देखो तो कितनी ऊंची ऊंची महल बनाई गई है, तो लग रहा है कि बिल्डिंग जो होगा तीन मंजिला बिल्डिंग वो लग रहा है देखने में। इस साइड आप ऐसे ही कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे देखो तो चारों साइड से पूरा इतना बड़ा विशाल मंदिर लग रहा है देखने में, और बीच में बहुत ही बड़ा ये कंपाउंड है, बहुत ही बड़ी देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी कंपाउंड है, पूरा क्लीन एंड साफ सुथरा देखने में लग रहा है यार, एकदम शांति सा माहौल है अंदर के अंदर। अंदर भगवान की यहाँ पे देखिए स्तुति हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं धुन आपको सुनाई देती होगी धीरे धीरे आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितने भी भक्तगण सब है वो यहाँ पे देखिए भगवान को जो पूजा आरती होती है वहाँ पे जो वंदना होती है वो सब यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे लो भाई भाई साहब का पूरा वो माला खराब कर दिया, माला जयराम जी के माला देखते ही पूरा माला भी खाने लगता है ना। फूल खाते हैं, फूल खाते हैं, देखो इसमें बनाई आपने वीडियो बन रहा है, चल रहा है, देख रहे हो देख रहे हो, देखिए कितना अच्छा माला पहने हुए थे, लेकिन पूरा तहस नहस कर दिया तूने पूरा। कोई बात नहीं बाबा, पूरा अयोध्या पे यही तो राज करता है। इतने सारे यहाँ पे बंदर है मत पूछे यार, बहुत ज़्यादा ही बंदर यहाँ पे है। देख लो हाथ में कुछ भी लेके चलोगे तुम रहने नहीं देगा, सट से लेके भाग जाता है, तुरंत ही लेके भाग जाता है, प्रसाद वगैरह तो बिल्कुल देखना ही नहीं जैसे चाहता रहता है। बंदर सब का ये भौकाल है भाई, हेलो हेलो, अरे हमरे पर डांट रहा है, लो देख रहे हो यहाँ पे कितने बंदर हैं, यहाँ पे बहुत सारे ढेरों बंदर हैं, आपको देखने को मिल जाएगा ये अयोध्या नगरी में आपको। क्या चीज है ये, तीर? तीर भाई, और क्या चीज है ये, किस चीज से बना हुआ है, बांस का बना है क्या? ये पहले के है कहाँ से लेके आए बाबा? जिला हरदोई, हरदोई लखनऊ के बगल में, लखनऊ के बगल में पड़ता है, वहाँ वहाँ से लेके आए तीर धनुष। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देख सकते हैं आप बाबा जी सब तीर धनुष लेके आए वहाँ से लखनऊ के पास से, लखनऊ हरदोई। ऐसे ही आपको बहुत सारे भक्तगण बहुत बहुत दूर से बाबा जी सब आते हैं और अपने अपने जो होता है जो सक्षम वो लेके आते हैं भाई। बहुत सारे बाबा को देखे गदा लेके आते हुए, झंडा लेके आते हुए, और ये जो बाबा है आपको देखे ही आप वो तीर आपको लेके आए हैं यहाँ से, तीर धनुष उनके देखे होंगे, तीर धनुष उनके हाथ में है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको धनुष भी दिखाते हैं आपको, देखिए इस साइड आपको धनुष भी रखा गया है, तीर भी रखा गया है, और तीर धनुष लेके आए हैं लखनऊ से, ये हरदोई एक जगह का नाम है शायद वहाँ पे, और वहीं से ये लेके आए हुए हैं, देख सकते हैं आप, देखिए चखना चूर कर देता हूँ। जय हिंद, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, बोलो राम तब मिलेगा राम, नहीं तो जीना होगा हराम। जय श्री राम, जय श्री राम, राम का है भारत का, राम का जो राम का नहीं है भारत का काम का नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम की गूंज है, राम नाम की लहर है,
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवास होई, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री राम की लहर है। मैं तो हमेशा आया हूँ, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस प्रकार से सूर्य देव के आने से समस्त पृथ्वी का अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार का राम जी का नाम लेने से हमारे समस्त विकार हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कि सारी संसार में राममय हो। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे क्या कोहराम मचा है भाई, तहाल का मचा है अभी अयोध्या में। अयोध्या नगरी के किसी भी गली, किसी भी नगर में आप जाएंगे, किसी भी रोड पे जाएंगे तो भाई राम नाम का गूंज आपको हर जगह सुनाई देगा। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं कनक भवन के बाहर और देख सकते हैं यहाँ पे भी कितनी, अभी भी कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है। यहाँ पे पूरा लोग जो प्रसाद खाने के लिए आए हैं, फ्री का खाना खाने के लिए आए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में लोग अभी भी खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप सामने में, यहाँ पे कनक रसोई जो है यहाँ पे खाना बनाया जाता है। और ये जो रोड देख रही है, इसी के जब आगे चलिएगा तो आपको राम प्रभु का जो मंदिर है जो बन रहा है अभी, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। राजा दशरथ का जो महल है वो भी देखने को मिल जाएगा। और इस साइड आप निकलिएगा तो कनक भवन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कनक भवन का सारे लुत्फ़ जो है उठाए हैं, आपको डिटेल आपको बताए हैं और दिखाए भी है। सारी जितनी भी जानकारी थी वो तो आपको दे ही चुके हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, फिर से मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, टाटा बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।